केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर एक खबर आई कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देखिए, जो भी स्थितियां है बिहार में पार्टियों के दृष्टिकोण से, उनके पास इतने विधायकों की संख्या है उस दृष्टिकोण से आप लोगों के सामने है, कैसे हुई है चीजें, क्या घटनाक्रम रहा है वह भी आप लोगों के सामने है, तो इस पर क्या विशेष टिप्पणी करनी है। बिहार की जनता और हम लोग यही जानते हैं कि बिहार की जनता ने बीते विधानसभा के चुनाव में एनडीए के कुनबे को आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर अपना मैंडेट दिया है। तेजस्वी यादव उस कुर्सी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। सत्ता नहीं मिली लेकिन सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एक रेस चल रही है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी। पहले बीजेपी ने वीआईपी पार्टी के विधायकों को तोड़ा और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद आरजेडी ने ये खेल एआईएमआईएम के साथ किया और वही खेल किया जो बीजेपी ने वीआईपी पार्टी के साथ किया था, और अब आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। सवाल यह है कि ये रेस क्यों, जो विधायक टूटकर एआईएमआईएम के जो विधायक टूटकर आरजेडी में गए हैं उनमें से एक विधायक से जब हमारी बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त कोई भी खेल हो सकता था, इसीलिए हमें आरजेडी के साथ जाना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा हैं और जाहिर तौर पर हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बिहार की सियासत में कोई खेल होने जा रहा है और क्यों बिहार की राजनीति में, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनने की रेस चल रही है। सवाल आप समझ गए हैं, जवाब आपका अभिषेक झा जी। देखिए, जो भी स्थितियां है बिहार में पार्टियों के दृष्टिकोण से, उनके पास इतने विधायकों की संख्या है उस दृष्टिकोण से आप लोगों के सामने है, कैसे हुई है चीजें, क्या घटनाक्रम रहा है वह भी आप लोगों के सामने है, तो इस पर क्या विशेष टिप्पणी करनी है। बिहार की जनता और हम लोग यही जानते हैं कि बिहार की जनता ने बीते विधानसभा के चुनाव में एनडीए के कुनबे को आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर अपना मैंडेट दिया है। न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर सरकार काम कर रही है और इससे ज्यादा किसी और चीज पर फोकस होने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं। तेजस्वी यादव उस कुर्सी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। सत्ता नहीं मिली लेकिन सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ है, यह कोई पहला वाक्य तो है नहीं। इससे पहले भी उनकी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। आंकड़ा है नहीं फिर भी सरकार बनाना चाहते हैं, खुद को बहलाने फुसलाने का एक तरीका उनका हो सकता है इस बाबत, लेकिन परिपक्व होना चाहिए था। इससे पहले भी कई बार उन लोगों ने दावे किए, हमेशा दावे खोखले ही निकले हैं। इस वजह से बिहार की जनता उनकी बातों को नोटिस नहीं लेती है, सीरियसली नहीं लेती है। उनको जो दावे करने हैं करने दीजिए, दो दिवस स्वप्न देख रहे हैं देखने दीजिए, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर एक खबर आई कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? हालांकि वो खबर तो खारिज हो गई लेकिन अभी ये सवाल बाकी है कि अगर उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में लिया है तो फिर जेडीयू के नेता का, जेडीयू कोटे के मंत्री का बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति में क्या काम? इस बाबत हमारे पास कोई जानकारी नहीं है तो कोई प्रतिक्रिया दे पाना उचित नहीं होगा। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इस्तीफा देना चाहिए, यह तो आने वाला समय बताएगा। इस पर तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा ही था कि भाई जब तक कार्यकाल है तब तक तो चीजें हैं ही, और जब कार्यकाल खत्म हो जाए राज्यसभा का तो आने वाला वक्त आपको बताएगा। आप हालांकि आपने खुलकर ये नहीं कहा, आपने कहा कि एनडीए की सरकार है और एनडीए को जनादेश मिला है, लेकिन बिहार के कई राजनीतिक दल, बिहार के कई राजनीतिक दलों के नेता ये दावा कर रहे हैं कि बिहार अब मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, और उनके दावे का आधार यह होता है कि आपके बीच और बीजेपी के बीच अब रिश्ते बहुत सहज नहीं है और कई बार टकराव इतना भीषण होता है कि दोस्ती अब टूटी कि तब टूटी वाली स्थिति होती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्होंने दावा किया है कि आपके बीच, आपके और बीजेपी के बीच तो अब तकरीबन सब कुछ खत्म ही हो गया है, अब बिहार में कोई भी बड़ा खेल हो सकता है। देखिए, ऐसे दावे वही लोग करते हैं जो लोग खुद राजनीतिक हाशिए पर पहुंच चुके हैं, और राजनीतिक हाशिए पर पहुंचे भी हैं तो खुद की ही वजह से, कोई और इसके लिए दोषी नहीं है। अपनी नकारात्मक राजनीति का उन्होंने शुरू से परिचय दिया, यही कारण है कि चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी, न पार्टी संभली न परिवार संभला, और आज जब राजनीतिक हाशिए पर है तो कुछ भी अपने मन से अंदरगल प्रलाप करते रहते हैं, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अभिषेक झा थे, जेडीयू के प्रवक्ता हैं और कई सियासी सवाल जिस पर बातचीत हुई, इस इंटरव्यू में इतना ही।
है।